हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नहीं गुड मॉर्निंग नहीं, तो अभी 3 बज रहे, गुड आफ्टरनून। तो आज है 13 नवंबर एंड अभी मैं हूँ मरीन लाइंस में। ये मेरी फेवरेट जगह है क्योंकि बस है मुंबई में, फेवरेट जगह है ये मेरी। तो यूजुअली आज सैटरडे है तो अब तक मेरी एडिटिंग और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद मैं वीडियो शेड्यूल पे डाल देता हूँ, वो अपलोड हो जाती है। लेकिन आज सैटरडे है तो मैंने अपलोड भी नहीं करी है अभी तक, मतलब अपलोड क्या है, रिकॉर्ड भी नहीं करी है। जस्ट अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है और मेरी 5 बजे को ट्रेन है, तो 5 बजे ट्रेन पकड़ के घर पहुँचते ही एडिट करके डालूँगा। तो ये वीक ही इन जनरल काफ़ी हेक्टिक रहा है, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी और अभी 2 दिन के लिए मुंबई भी आना था क्योंकि मैं इधर शिफ्ट होने वाला हूँ अगले महीने। तो वर्सोवा में मैंने 5-6 घर देखे और अंधेरी ईस्ट में भी 5-6 घर देखे और वो सारी चीज़ें मैंने कल कंप्लीट कर ली थी और आज भी मैंने कुछ घर देखे। अब थोड़ा सा टाइम बचा था, CSMT से मेरी ट्रेन थी, तो मैंने सोचा कि जो मेरी बेस्ट प्लेस है मुंबई में उसे एक बार विज़िट कर लेता हूँ। तो हेयर इट इज़। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ, उस साइड सारी कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है, मेन तो उसी साइड से व्यू। मैं देखता हूँ जहाँ ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगी वहाँ से मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा फिर से। तो यप, ये है वैसे, यप क्या, ये है मरीन लाइन से वैसे। और अभी जो आपने इससे पहले इंट्रो वाली वीडियो देखी, इंट्रो क्या, कुछ क्लिप्स थी उसमें, तो मैं अंधेरी से मैंने लोकल लिया था और लोकल लेने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ अभी। तो मैंने अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन वालों से बात करी तो पता चला ये आगे एक फ्लाईओवर आता है वहाँ तक ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अंडरग्राउंड वाली रोड बन रही है। तो मुझे कम से कम 10 मिनट लगेंगे वो जहाँ तक कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो रही है वहाँ तक पहुँचने में, उसके बाद आगे का अच्छा सीन दिखाऊँगा आपको। तो ये व्यू दिखाते दिखाते मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ जो मेरे दिल में चल रही हैं इस वक्त, है ना। तो पहली बात तो मेरा बहुत गंदा कटा मास्क, मैंने नाक के नीचे था मेरा, तो इधर जो अथॉरिटीज़ थी वो आई ऐसे और बोली कि फ़ाइन लगेगा, तो फ़ाइन देना पड़ गया मेरे को मास्क नीचे रखने का। तो वो अपनी जगह सही है एंड चलो कोई नहीं, थोड़ा सा उसका बुरा लग रहा है बट ये जगह इन जनरली मेरे को दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ तो वो चीज़ मैं भूल गया। एंड इमोशनल क्यों, क्योंकि क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मुंबई एक ना सपनों की नगरी है मेरे लिए। एंड सबसे पहला जो व्यू था, जो इमेज थी मेरी मुंबई की, वो इसी से बनती है। मैं सबसे पहले 2017 से 2018 के क्या बोलते हैं, हाँ, न्यू ईयर पे आया था यहाँ एक हफ्ते की ट्रिप पे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो रात को आया था। तो सबसे पहले जो जगह मैंने देखी थी रात को टहलते टहलते वो यही थी, वो जो जगह देख रहे हैं आप उधर, वो बिल्डिंगों में लाइट लगी हुई, ये पूरा व्यू रात का, उधर भी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ लाइट लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा व्यू था वो। तो हाँ, उस टाइम मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आया था एंड उसके बाद मैं आता ही रहता हूँ इधर, मतलब जब भी मैं मुंबई आता हूँ तो मैं इधर आता हूँ ज़रूर। एंड हाँ, ये जगह मतलब पता नहीं क्यों काफ़ी अच्छी वाइब देती है, मेरे को फील कराती है कि हाँ कुछ बड़ा करना है। एंड फिर से वो थॉट आ गया कि मेरे पैसे कट गए वो चालान कट गए मास्क ना पहनने के, पहना हुआ था मैं, नीचे करा हुआ था
बट मेरी साइड नहीं समझेंगे वो ना, पसीने आ रहे थे तो मैंने नीचे कर लिया था। जस्ट मैं वो पार्ट रिकॉर्ड कर रहा था, वो जो होता है ना व्यू को इंट्रोड्यूस कराने वाला, तब मैंने नीचे किया और मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया तभी वो आ गया। कह रहा शूटिंग तो आप कर सकते हैं लेकिन इसका फाइन लगेगा। तो वही ख़राब हो गया। खैर कोई नहीं, तो हाँ काफ़ी स्पेशल जगह है और आप तो समुंदर देख के बोर ना हो जाएं ज़्यादा देर। 3 मिनट्स की पर्सनल टॉक्स हो गई एंड हाँ अभी 5 बजने वाले हैं। मैं काफ़ी देर यहाँ बैठ भी लिया और अपनी मेमोरीज ताज़ा कर ली, तो अब चलता हूँ मैं यहाँ से, ट्रेन पकड़ूँगा और ट्रेन निकलूँगा। सो मैं आ गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में एंड ये एक फन फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में। ये 2011 में टूट गया था अर्जुन रामपाल की वजह से एंड उसके बाद ये फिर से रेनोवेट किया गया और अब ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो हाँ बाकी तो मैं पहुँच गया हूँ और आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये वो वाला ब्लॉग नहीं था कि मैं पर्पसफुली निकला था ब्लॉग करने, ये बस कि कंसिस्टेंसी ना टूटे इस वजह से मैंने बनाया, क्योंकि कभी कभी हर बार नहीं हो पाता प्रॉपर टाइम और वो। तो हाँ अगर कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है तो ऐसे काम कर सकते हैं आप, मतलब बस कर लीजिए है ना और डाल दीजिए, कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। एंड इफ़ यू लाइक दिट देन प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ विद मी ऑन द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या सी यू नेक्स्ट टाइम।